नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SEO युक्ति के एक और दमदार वीडियो में। गाइस, आज की ये वीडियो इस पर होने वाली है कि आपको जो है एक पार्टिकुलर कंटेंट को लिखते वक्त कितना उसका आर्टिकल लेंथ रखना चाहिए। देखिए, बहुत सारे ब्लॉगर्स जो होते हैं, जब भी बिगनर्स होते हैं या फिर जो भी इंटरमीडिएट ब्लॉगर्स होते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपने आर्टिकल को रैंक कैसे कराएं। मैं दोस्तों आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आपके आर्टिकल की लेंथ सही तरीके से आपने रखी है और उसमें सही तरीके से SEO किया है, तो वो आपको जो है गूगल के पहले पेज पर रैंक करा सकता है। और इसका मैंने खुद कई बार एक्सपेरिमेंट किया है और मैं कई बार रैंक भी हुआ हूँ। मैं कीवर्ड डिफ़िकल्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट गाइस आर्टिकल का लेंथ मैटर करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ दो पार्टिकुलर सवालों का आपको जो है डिस्कस करूँगा कि एक पार्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट के लिए एक आइडियल लेंथ कितना होता है, यानी कि आपको जो है कितना लेंथ का आर्टिकल लिखना चाहिए। एंड आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा कि आपके लिए लॉन्ग फॉर्म कंटेंट्स के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी अगर आप जो है कंटेंट को लेकर के परेशान है कि आपको जो है कितना कंटेंट लिखना चाहिए। और मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ रियल टाइम डेटा शो करूँगा, यानी कि आपको जो है मैं कुछ अपने बारे में बताऊँगा कि मैं किस तरह से लिखता था आर्टिकल्स को। एंड गाइस, मैं आपको कुछ पार्टिकुलर पॉपुलर लोगों की जो है बातें बताऊंगा और कुछ टूल्स की भी जो है रिजल्ट्स को बताऊंगा। ठीक है, सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, प्रैक्टिकल होगी, इसलिए आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कभी भी जो है कंटेंट राइटिंग में आर्टिकल लेंथ को लेकर के कभी कोई समस्या नहीं आएगी। और दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो शायद आप जो है सही तरीके से SEO फ्रेंडली कंटेंट को लिख सकते हो और गूगल के पहले पेज पर रैंक भी हो सकते हो। ठीक है, सो दोस्तों वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं पता है। दोस्तों, इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। जब मैंने बिगनिंग ब्लॉगिंग में जब मैंने शुरू किया था, मैं एक बिगनर था, उस वक्त जो है मुझे आइडिया नहीं था कि किस तरह से कितने वर्ड का आर्टिकल लिखा जाता है। ठीक है, मैंने कई बार जो है 1000 वर्ड का लिख दिया, 800 वर्ड का लिख दिया। बस मुझे ये पता था कि आर्टिकल्स को आप लिख सकते हो, और मैंने कुछ इंटरनेट पे सर्च किया था तो वहाँ पर यह था कि आप 400 वर्ड मिनिमम रखो, उसके बाद आप 1100-1200 वर्ड तक लिख दो तो आपका आर्टिकल जो है चल जाएगा। ठीक है, लेकिन बाद में फिर से मैंने जब थोड़ा सा डिस्कवर किया, जब मैंने कोर्सेस लिए और कुछ सीखा, मैंने ब्लॉगिंग के बारे में कुछ और आगे पढ़ा, तो मुझे पता चला कि आर्टिकल की लेंथ और ज़्यादा बढ़ाने से आपको जो है बेनिफिट हो सकता है। सो दोस्तों, मैं आपको इसी बात से रिलेट करना चाहता हूँ कि आपने कई लोगों से सुना होगा, आपने कई लोगों को देखा होगा ये कहते हुए कि जो लॉन्गर फॉर्म ऑफ द कंटेंट्स होते हैं वो गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक होने की संभावना ज़्यादा लेकर आते हैं कंपेयर टू द शॉर्टर लेंथ के। ठीक है, और ये भी कहते हैं कि जो लॉन्ग फॉर्म के कंटेंट्स होते हैं जिनमें ज़्यादा कंटेंट होता है उसको लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं, उसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें उनका मानना ये होता है कि आपको जो है ज़्यादा नॉलेज है कंपेयर टू जो शॉर्ट कंटेंट बनाता है। ठीक है, देखिए, अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है गाइस और आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन 5 मिनट में नहीं हो सकता है, तो आप जाकर के डेफिनेटली उसको जो है एक बड़े फॉर्म में देखना पसंद करोगे, चाहे फिर वो यूट्यूब वीडियो हो, फिर चाहे वो कोई ब्लॉग हो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, अगर मैं इस पार्टिकुलर कंटेंट पे अगर मैं लिखना शुरू करूँ तो आप मेरा जाकर के seoyukti.com जो कि आपको साइड में दिख रहा होगा, अगर आप जाकर के यहाँ पर देखेंगे कि हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग के बारे में, सो गाइस यहाँ पर मैंने इतना लंबा कंटेंट लिखा हुआ है, इतना ज़बरदस्त इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर इस आप कॉन्टेंट को देखेंगे तो ये 3000 वर्ड्स के प्लस है। ठीक है, सो मैं इस कॉन्टेंट को, इस पार्टिकुलर क्वेरी को सिर्फ 800 वर्ड में जो है सॉल्व नहीं कर सकता था, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको जो है हम 800 वर्ड या फिर 1000-2000 वर्ड में नहीं कर सकते थे। इसीलिए मैंने इसको बहुत ही लंबा लिखा और लगभग मुझे 2 दिन लग गया। सो दोस्तों, इस तरह से लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिखने के बाद लोगों को ये लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही मुझे जो है नॉलेज है इसके बारे में, और मैं उनके क्वेरीज को सही तरीके से एक ही प्लेस पर बहुत सही तरीके से जो है सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सो दोस्तों, इसी सीरीज में अगर मैं आपसे आगे बात करूँ कि एक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये देखा गया है कि 2014 के पहले जो था वो 800 वर्ड तक जो है इफेक्टिव माना जाता था, वहाँ पर रैंकिंग के चांसेस भी थे। बट गाइस, आपको पता है कि ब्लॉगिंग में कंपटीशन डेली का डेली बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए एक रिपोर्ट के मुताबिक अब जो है 40-45% तक जो है ब्लॉग पोस्ट को जो है जो आर्टिकल लेंथ है उसको इम्प्रूव कर दिया गया है, उसको इंक्रीज किया गया है। अब आप अगर आर्टिकल लिख रहे हो तो आपको जो है 1200-1500 वर्ड तक आर्टिकल को लिखना पड़ेगा, जो कि एक इफेक्टिव आर्टिकल समझा जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्रॉलर को आपको रैंक करने के ऑप्शंस देख लेगा, लेकिन क्या इतना भी जो है आपके लेंथ
इतना इतना आर्टिकल का लिंक था आपके लिए इफेक्टिव होगा। गाइस वीडियो में बने रहेगा, आपको जो है मैं कुछ डेटा जरूर शो करूंगा जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि 1200 से 1500 वर्ड का जो लेंथ होता है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। बस आपको जो है क्रॉलर की नज़र में आने के लिए, क्रॉलर को एक ऑप्शन देने के लिए इतना लेंथ बहुत है। दोस्तों हब स्पॉट के बारे में आप जानते होंगे, हब स्पॉट ने रिसेंटली एक डेटा शो किया था। उन्होंने बताया था कि एक जो नेटिव स्पीकर होता है जो अपने लैंग्वेज में बातें करता है वो अपने लैंग्वेज को जो है 300 वर्ड्स पर मिनट पढ़ सकता है, ठीक है। यानी कि एक एडल्ट जो है वो 300 वर्ड लिमिट पढ़ सकता है एक मिनट में। तो गाइस इसके अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 7 मिनट का अगर कोई रीडर है, 7 मिनट तक अगर कोई आर्टिकल पढ़ा जा रहा है तो वो इफेक्टिव है। और एवरेज जो है मतलब हब स्पॉट ने देखा कि एवरेज 7 मिनट जो होता है वो अटेंशन लेता है किसी भी मतलब इंटरेस्टेड व्यक्ति का। अगर कोई आपके सर्च करके आपकी वेबसाइट पर आ रहा है तो एवरेज वो 7 मिनट का जो है पढ़ सकता है वहां पर आर्टिकल को। तो वहां पर जो है 2100 वर्ड का जो है इस हिसाब से जो है आर्टिकल इफेक्टिव माना जाता है, ठीक है। हब स्पॉट ने ये डेटा इस तरह से शो किया कि 7 मिनट तक एवरेज रीडिंग देखा गया लोगों का, ठीक है। और एक पर्टिकुलर नेटिव जो पर्सन है जो अपने अपने लैंग्वेज में बातें करता है वो 300 वर्ड तक पढ़ सकता है। सो इस हिसाब से 7 × 300 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2100 वर्ड दिखेगा। सो हब स्पॉट के डेटा के अकॉर्डिंग 2100 वर्ड का जो लेंथ होता है आपके आर्टिकल का वो ज़्यादा इफेक्टिव है। सो 2100 वर्ड इफेक्टिव है। लेकिन दोस्तों उसके बाद हब स्पॉट ने खुद को और थोड़ा इंप्रूव किया क्योंकि उन्होंने अपने डेटा को चेक किया तो उनको पता चला कि एवरेज जो मतलब नंबर होता है एक आर्टिकल लेंथ का वो उन्होंने लगभग 2200 से 2500 वर्ड के बीच में रखा। क्योंकि हब स्पॉट ने अपने भी डेटा को देखा और कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया और कुछ रिजल्ट्स को देखा तो वहाँ पर हब स्पॉट को ये लगा कि 2200 से 2500 वर्ड के बीच का जो लेंथ होता है आर्टिकल का वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है कंपेयर टू 2100 वर्ड का। सो आपको जो है एक मैजिक नंबर मिल चुका है गाइस कि आपको जो है आर्टिकल का लेंथ कितना रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू हब स्पॉट के डेटा के, ठीक है। अब दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं तो आपने जो है बफर को देखा होगा, ठीक है। बफर के अकॉर्डिंग जो है यही डेटा जो है सेम जो है वो 1600 वर्ड्स तक है। उसको जो है 1600 वर्ड्स उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था कि 1600 वर्ड्स तक जो है एक अच्छा खासा इफेक्टिव कंटेंट लिखा जा सकता है, ठीक है। दोस्तों बफर ने इस डेटा को इस बेस पे शो किया था। आपने कई बार कई वेबसाइट्स पे अगर आप विजिट करते हैं तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि आपको लिखा हुआ मिलता है कि 3 मिनट की रीडिंग, 6 मिनट की रीडिंग, ठीक है। सो इस तरह से जो है आपके आर्टिकल को जो है 3 मिनट 6 मिनट इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि 6 मिनट की जो रीडिंग होती है वो काफ़ी इफेक्टिव होती है। सो दोस्तों बफर ने इस डेटा को शो किया कि ओवरऑल जो 3 मिनट्स की रीडिंग होती है वो 75% रीडर्स आपके जो है करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो 6 मिनट्स की रीडिंग होती है वो 94% तक यूजर जो है 6 मिनट तक आपके जो है आर्टिकल को पढ़ते हैं। इस डेटा के अकॉर्डिंग जो है बफर ने अपना एक मैजिक नंबर दे दिया था जो कि 1600 वर्ड्स का था। देखिए मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स को जो है 2100 वर्ड से भी ज़्यादा लिखे हैं एंड 1600 वर्ड से भी ज़्यादा लिखे हैं, ठीक है, और 1600 वर्ड तक लिखे हैं, ठीक है। तो मुझे इस बात का पता है गाइस कि 1600 वर्ड या फिर 2100-2500 वर्ड में अगर आप आर्टिकल का लेंथ ज़्यादा रखते हो तो आपको जो है बेनिफिट बहुत सारा होता है जो कि मैं आपके आगे से आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन आपके पास दोस्तों एक ऑप्शन है कि आप जो है 1600 वर्ड्स और जो है 2200 वर्ड्स तक जो है आर्टिकल को लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों हमारे पास इस वीडियो में दूसरा पार्ट ये है कि हम जो है जानते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म कंटेंट्स क्या हो सकते हैं, यानी कि अगर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट्स लिखते हो तो आपके लिए बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ठीक है। दोस्तों आप सभी लोग जो है नील पटेल को जानते होंगे। नील पटेल के अकॉर्डिंग जो होता है, जो उन्होंने अपना डेटा शो किया था कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट्स पर जो होता है 40% ज्यादा लोगों का जो है एवरेज व्यूज बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि वो लोग ज़्यादा देर तक विजिट करते हैं एंड ज़्यादा पेजेस को जो है स्क्रॉल करते हैं कंपेयर टू द अदर एवरेज पेजेस की बात करूँगा, ठीक है। सो नील पटेल के डेटा के अकॉर्डिंग आपको जो है अगर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट अगर आपने लिखा है तो आपको वहाँ पर जो है बाउंस रेट में बेनिफिट्स मिलता है, यानी कि आपका बाउंस रेट कम होता है, लोग उसमें ज़्यादा देर तक रहते हैं और आपको ज़्यादा ऑथेंटिसिटी मिलती है, ज़्यादा लोग आपको जो है समझते हैं कि आपको जो है अपने पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने कंटेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। सो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इसलिए बेनिफिशियल होता है कि आपकी अथॉरिटी को लोगों की नज़र में ज़्यादा महत्वता दी जाती है, ठीक है, इसलिए लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आपको लिखना चाहिए। दूसरा ये होता है दोस्तों कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स मिलते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है बैकलिंक्स के ऑप्शंस भी मिलते हैं, ठीक है। मैंने जो आपको बताया था कि हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग के बारे में लिखा था उसको मैंने काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया था, अगर आप कभी उसको चेक करेंगे, वैसे मैं ज़्यादा चेक नहीं करता बट उसको जो है बैकलिंक मिला हुआ है। सो दोस्तों आप ये समझ लो कि आपको जो है अगर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिखते हो तो वहाँ पर बैकलिंक्स के ऑप्शन होते हैं एंड इसके बाद जो होता है आपके आर्टिकल्स को जो है सोशल मीडिया पर शेयर करने का ऑप्शन भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों क्विक स्प्राउट नाम के एक पर्टिकुलर टूल से ये पता चलता है कि अगर आपका आर्टिकल जो है वो 1500 वर्ड्स तक है
तो उसमें जो है आपको जो है कम ट्वीट्स और कम लाइक्स जो है मिलने के चांसेस होते हैं, यानी कि कम फेसबुक शेयर्स भी मिलते हैं, ठीक है। यानी 59 शेयर्स मिल गए, ट्वीट्स 173 मिल गए, 150 मिल गए, ठीक है। लेकिन क्विक स्प्रेड जो है वहाँ पर एक डेटा शो करता है कि अगर आपका आर्टिकल जो है 1500 वर्ड से ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा ट्वीट्स मिलने के चांसेस होते हैं एंड ज़्यादा शेयर्स, फेसबुक शेयर्स मिलने के चांसेस होते हैं, यानी कि 200 प्लस शेयर्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ये क्विक स्प्रेड का जो एक डेटा है, बाकी आपको कितने मिलते हैं आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने 2000 वर्ड्स लिखा हुआ है, 3000 वर्ड्स लिखा हुआ है तो आपको जो है कितना मिलता है। तो ये भी देखा जाता है कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट्स को जो है ज़्यादा सर्च इंजन में रैंकिंग्स मिलती है, उसको जो है ज़्यादा लोग विजिट करते हैं और ऑनलाइन प्रेजेंस उसकी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। सो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को जो है ज़्यादा एक तरह से प्रायोरिटी दी जाती है किसी भी ऑनलाइन पार्टिकुलर टूल्स पे, प्लेटफॉर्म्स पे, वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। सो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आपके लिए इस तरह से भी इफेक्टिव होता है। देखिए दोस्तों, मैंने ये पार्टिकुलर जो भी 2-3 बेनिफिट्स आपको बताए हैं, इनसे भी ज़्यादा बहुत कुछ है। अगर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट्स को लिखते हो तो आपको जो है एक्सपेरिमेंट करते करते आपको बहुत सारी चीज़ें खुद देखने को मिलेंगी, इसलिए आपको जो है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट्स को लिखना चाहिए। उसके बाद जो रिजल्ट आए उसको आप जरूर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट्स के कितने सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। एक्चुअली अगर मैं अपनी तरफ से थोड़ा बहुत पॉइंट्स और ऐड करूँगा इस, तो उसमें क्या है कि आपको जो है ज़्यादा आप कीवर्ड्स प्लेस करते हो, ज़्यादा लैटिन सेमेंटिक कीवर्ड्स का इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से आपको रैंकिंग मिलती है। सो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स को लेकर आता है जिसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा रैंकिंग मिल जाती है। सो इस तरह से आपके लिए लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट जो होता है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एंड कितने आर्टिकल का लेंथ आपको लिखना चाहिए, 1600 या फिर 2200 या फिर 2200 से 2500 के बीच में, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपने आर्टिकल लेंथ को बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चलेगा कि कितने लोग कितने आर्टिकल्स को लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप मेरी बात करोगे तो मैं पहले तो कम लिखता था, लेकिन अब मैं ज़्यादातर जो है 1500 प्लस ही लिखता हूँ गाइस, और उसको कभी कभी 2500 वर्ड्स तक, मैक्सिमम 2500 वर्ड्स तक लिखता हूँ, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लिख दोगे तब भी लोग पढ़ नहीं पाएंगे और कम लिख दोगे तो आपको तब भी रैंकिंग नहीं मिलेगी। सो एक एवरेज जो लेंथ होता है वो गाइस 2200 से 2500 होता है, आप इसके बीच में आर्टिकल्स को लिखिए, आपको डेफिनेटली रैंकिंग मिलेगी, आपका डेफिनेटली गूगल के फर्स्ट पेज पर जो है रैंक हो जाएगा वेबसाइट, ठीक है। सो दोस्तों, मैंने ये इतना जो है आपके साथ शेयर किया हुआ है, इसमें मैं एक और टॉपिक ऐड करना चाहता था कि आप जो है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को कैसे लिख सकते हैं, उसके क्या आइडियाज़ हैं, क्या क्राइटेरियाज हैं, किस तरह से लिखना चाहिए, उसका वीडियो मैं कल बनाऊंगा, ठीक है। सो आप अगर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, कल वीडियो आएगी तो आप उसको देख लोगे। अब दोस्तों, आपको जो है आज के सिर्फ मैं वीडियो में इतना ही बता रहा हूँ, अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना इस वीडियो को। अगर कोई भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट करना या फिर मुझे @SEOyukti इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, वहाँ पर आपको जो है रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट करो गाइस, आपको रिप्लाई मिलेगा। वीडियो आप इंतजार कीजिए, कल आएगा तो आप उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू।